डियर फ्रेंड्स, मैं समंजू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CTET 2024 के लिए उर्दू के कुछ क्वेश्चन ले लेंगे प्रीवियस पेपर के, और एक जबान उसकी खसूसियात क्या होती है और दस्तूर में इसका जो मुकाम है या दस्तूर में क्या चीज़ें बताई गई है जबान से रिलेटेड, इतनी चीज़ें आज हम वीडियो में देखेंगे। तो जबान क्या है? जबान एक वसीला है, यानी कि एक जरिया है इजहार ख्याल का, एहसास और ज़रूरियात का। और आपको पेपर में ये वर्ड मिलेगा तरसील। तरसील यानी कि क्या? कम्युनिकेशन, बातचीत करना। तो जबान वसीला है इजहार का, एहसास का, ज़रूरियात का और तरसील का, यानी कि कम्युनिकेशन। जबान नतीजा होती है दो चीज़ों की, एक तो है सामाजिक तामुलात जिसे हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, और दूसरा नकल या तकलीद यानी कि कॉपी या इमिटेशन, के बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे अपने बड़ों को सुनते हैं और सुनकर उन्हीं की कॉपी करते हैं, यानी कि वही चीज़ को दोहराते हैं। तो दोहराना क्या कहलाता है? तकलीद यानी कि इमिटेशन। तो बच्चा इमिटेशन के थ्रू ही सीखता है। ज़बान के लिए ज़रूरी अनासिर कौन से हैं? तो ज़बान के लिए ज़रूरी अनासिर दो है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ज़बान के लिए, ज़बान सीखने के लिए? तो समाजियत होना है, सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और दूसरा समाजी तामून यानी कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। अब ज़बान जो है, अब हम कितनी टाइप की ज़बानें या कितनी किस्म की ज़बानें बच्चा जान सकता है या बोलता है, उसके हिसाब से ज़बान तीन है। एक है यक लिसानी यानी कि मोनोलिंगुअल, जो किसी एक ही ज़बान को जानने वाला है। जानने वाला है मतलब कि वो उस ज़बान को समझ भी सकता है और उसमें बातचीत भी कर सकता है, तरसील कर सकता है। जो लिसानी यानी कि बायलिंगुअल, तसीर लिसानी यानी कि मल्टीलिंगुअल। ज़बान इम्तिजाज या मजमुआ है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ज़बान इम्तिजाज होती है तो ज़बान किसका मजमुआ है या किसका इम्तिजाज है? तो लुगत यानी कि लेक्सिकॉन एंड ग्रामर यानी कि कवायद का। तो ज़बान क्या है? ये मजमुआ है दो चीज़ों का। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ज़बान की खसूसियात के, ज़बान की खसूसियात क्या क्या है। ज़बान की खसूसियात में सबसे पहले है कि समाजी तसव्वुर है, सोशल फेनोमेनन है। जाहिर बात है कि आपको सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है। अगर आपके आसपास लोग होंगे तो आप ज़बान आसानी से सीख सकेंगे, मतलब बच्चा आसानी से सीख सकेगा। तो समाजी तसव्वुर है, मुनफरिद है, ये अलग है, एक अपनी एक अलग अलग ज़बान, अपनी एक अपनी ज़बान रखती है यानी कि अलग अलग है। तगैयुर पज़ीर है, लेकिन कौन? ज़बान की बोलियाँ, बोली यानी के डायलेक्ट, बोली मीन्स डायलेक्ट। और ज़बान की कई बोलियाँ हो सकती है या होती है, और वो पूरी की पूरी कैसी रहेगी? तगैयुर पज़ीर रहेंगी बोली, इसकी बोलियाँ होती है, सही बात है। साख्तियाती तौर पर पेचीदा है, यानी कि अगर आप इसका स्ट्रक्चरल व्यू देखें या इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसी रहेंगी? ये पेचीदा रहेंगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ज़बान का। ज़बान सादा से पेचीदा की तरफ जाती है। ज़बान तख्लीकी है, तख्लीकी है यानी कि प्रोडक्टिव होती है। ज़बान मुनज़्ज़िम है यानी कि सिस्टमेटिक होती है। अब ये पॉइंट आपको ज़रूरी है क्योंकि ये पॉइंट ना ऑप्शन में पूछे जाते हैं ज़बान से रिलेटेड। ज़बान अलामतों का निज़ाम है, सही बात है ना, कि अगर हम तहरीरी तौर पे अगर हम ज़बान की बात करें तो हर एक ज़बान में क्या होती है? अलग अलग अलामतें इस्तेमाल में लाई जाती है आवाज़ के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखेंगे हम कि अगर मैं बोलूँ नून, नून, तो नून एक आवाज़ है और उसके लिए आप जो अलामत इस्तेमाल करेंगे वो ये है, अलीफ। अलीफ आवाज़ है और उसके लिए अलामत हमने इस्तेमाल करें ये। तो जो भी ज़बान है वो अलामतों का निज़ाम है, यानी कि सिंबॉलिक सिस्टम होता है। इशाराती यानी कि साइन लैंग्वेज, सूतियाती यानी कि आवाज़ साउंड, और तहरीरी यानी कि
रिटन होती है, यानी कि ज़बानें कैसी होती है। ज़बानें साइन लैंग्वेज भी होती है हमारी, इशारों की ज़बान होती है, स्पोकन फॉर्म में होती है, सूतियाती यानी कि साउंड है, और तहरीरी भी होती है यानी कि रिटन होती है। फिक्री और रिवायती होती है ये, फिक्री यानी कि थॉट, सोच। ज़बान और फिक्र यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट एक दूसरे के साथ चलते हैं या एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं। तो देखो, अगर आप ना इस चीज़ को देखो कि यहाँ पे जो बोला गया है कि ज़बान और फिक्र, या तफक्कुर भी लिखकर आ सकते हैं आपको, यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट, तो ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ चलते हैं या एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। अब ये चीज़ दो लोगों ने बोले थे, अगर आप पियाजे की बात करो या फिर आप वायगोत्स्की की बात करो, तो उन्होंने बोले थे कि सबसे पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है और फिर थॉट आती है। और इसके अगेंस्ट अगर हम देखो तो पियाजे ने बोले थे कि पहले थॉट एंड फिर लैंग्वेज बच्चे को आती है। और ये किसने बोले थे, पियाजे ने। तो आप ये याद रखना दोनों ने क्या बोले थे, ज़बान और तफक्कुर या फिक्र को लेकर। निज़ामों का निज़ाम है, अब देखिए ये ना एक आपको ईयर मुझे याद नहीं रहा, अभी जो ऑनलाइन ही पेपर हो रहे थे ना उसमें एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछे गए थे कि ज़बान के खसूसियात को लेकर के, ज़बान निज़ामों का निज़ाम है या मुनज़्ज़िम निज़ाम है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट यूज़ में लाए थे। तो एक था कि ज़बान निज़ामों का निज़ाम है, सही बात है। मज़ीद इसकी बोलियाँ होती है, डायलेक्ट होती है, ये मैंने आपको बता दी। मादरी ज़बान, मदर लैंग्वेज, और मियारी ज़बान, इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी होती है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बोली उसे डायलेक्ट कहते हैं, मादरी ज़बान को मदर टंग, मियारी ज़बान को स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। ज़बान के काम क्या है कि तरसील का वसीला है, ये हमने देख लिए, ये वाला पॉइंट भी हमने देख लिए। सकाफती तबादले का वसीला है यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, तो आपको ये पॉइंट भी यूज़ में आ सकता है। मुस्तकिल फितरत की होती है, यानी कि क्या है, फिक्स्ड है, आप ज़बान को नहीं बदल सकते, ये फिक्स है, उसकी बोली क्या है, तगय्युर पज़ीर है, लेकिन ये ज़बान कैसी है, फितरत मुस्तकिल फितरत की होती है, यानी कि क्या है, बिल्कुल ये आप चेंज नहीं करेंगे, इसकी बोलियों को आप चेंज कर सकते, चेंजेबल होती है या तगय्युर पज़ीर होती है बोली, लेकिन ज़बान मुस्तकिल होती है, ये ज़रूरी है। और उसके अलावा एक आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ज़बान अलल टॉप यानी कि आर्बिट्ररी होती है, ये हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख और उसकी लफ्ज़ियात होती है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आपको क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा भी गया था। अब हम देखेंगे ज़बान और दस्तूर, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ज़बान और दस्तूर पर। दस्तूर हिंद के शेड्यूल में 22 यानी कि 22 ज़बानों को मंजूरी दी गई है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आता कि कितनी ज़बानों को मंजूरी दी गई है, तो टोटल 22 ज़बानों को दस्तूर हिंद के शेड्यूल में 22 ज़बानों को मंजूरी दी गई है। आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाने वाली हिंदी को मरकज़ की सरकारी ज़बान और इंग्लिश को दूसरी सरकारी ज़बान के तौर पे माना गया है, आपको इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में। तो हम क्या कर रहे हैं, जो कंटेंट है हम वो पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से भी ले रहे, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए ये। तो आर्टिकल 343 में क्या कहा गया है कि जो हिंदी है हमारी, ये हिंदी हमारी मरकज़ की सरकारी ज़बान है, और जो इंग्लिश है वो दूसरी सरकारी ज़बान है, यानी कि हिंदी हमारी क्या है, सरकारी ज़बान है। आर्टिकल 350 तालीम मादरी ज़बान में प्राइमरी सतह पर होनी चाहिए, तो आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है कि जो भी तालीम देंगे प्राइमरी सतह पर तो वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए।
खदीम क्लासिकी ज़बानें क्या है? तो खदीम ज़बान जिसकी तारीख है। मिडल सतह पर इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान का मुताला रखा गया है, लेकिन कौन सी सतह पर रखा गया है? मिडल सतह पर क्या किया गया है कि जो क्लासिकी ज़बान है, यानी कि ऐसी ज़बान जिनकी अपनी तारीख है, तो मिडल सतह पर उनको क्या किया गया है? एक ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पे, यानी कि मुतबादिल के तौर पे रखा गया है, इजाफी मुतबादिल के तौर पे रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है आप ये चीज़ याद रखना कि जो क्लासिकी ज़बानें हैं तो उसको मिडल सतह पर स्कूल में इजाफी मुतबादिल के तौर पर रखा गया है। क्लासिकी ज़बान का मुताला आपको मिडल सतह पर लेना है बच्चों को। NEP 2020 नई तालीमी पॉलिसी में पाली, प्राकृत, फारसी को खदीम ज़बान में शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट है आप ये पॉइंट भी याद रख लीजिए कि अगर आप NEP नई तालीमी पॉलिसी 2020 के हिसाब से देखें तो पाली, प्राकृत और फारसी को खदीम ज़बान में शामिल कर लिया गया है। अब हमने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा ज़बान और उसकी खसूसियात और दस्तूर, तो उससे रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए कि किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है पेपर December 2021 का पेपर जो ऑनलाइन हुआ था। आसान लफ्ज़ियात क्वेश्चन, आसान लफ्ज़ियात में शामिल है। अच्छा, आसान लफ्ज़ियात के बदले आपको आम लफ्ज़ियात भी लिखकर आ सकता है। तो आसान लफ्ज़ियात या आम लफ्ज़ियात का मतलब होता है कि वो अल्फाज जिसे आप अपने डे टू डे लाइफ में या बच्चा अपनी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलने और लिखने के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसे हम आसान लफ्ज़ियात कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ियात का मतलब क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। वो अल्फाज जिनको सुनकर और पढ़कर पहचान ले, मुभन अल्फाज, वो अल्फाज जिनको बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज जिसके मायने मतन में पढ़ने से पहले जानते हैं। तो आंसर क्या है हमारा कि वो अल्फाज जिनको बोलने और लिखने में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे आम लफ्ज़ियात या आसान लफ्ज़ियात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है December 2019 में आइन के दस्तूर, आइन के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का इंदराज है? तो कितनी ज़बानों का इंदराज है आइन के 8वें शेड्यूल में? 22 ज़बानों का इंदराज है। अभी हमने देखे ये पॉइंट, अभी हमने देखे। दावा किया गया है, असर्शन है जो आप CDP में देखते हैं, असर्शन, आप जितना छोटे होंगे उतना ही दूसरी जबान सीखना आसान होगा। अब ये क्वेश्चन है 2023 का कि आप जितना छोटे होंगे उतना ही दूसरी ज़बान सीखना आसान होगा, ये दावा किया गया है। दलील ये है कि असासी मराहिल में कोई चीज़ सीखी जाती है तो सही तलफ़ुज़ की सलाहियत को फ़रोग देना बहुत आसान होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आप जितने छोटे होंगे उतने जल्दी आप सीख लेंगे, और ये भी सही है कि असासी जो मराहिल है हमारे, तो असासी मराहिल मतलब क्या? असासी मराहिल का मतलब होता है टू टू सिक्स ईयर की एज में है बच्चा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड की बात की जा रही है, और अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा एक्सपीरियंस लेता है हर तरह से, तो वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं। तो असासी मराहिल में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में, या इसके बदले आपको और लिखकर आ सकता है इब्तदाई बचपन में,
तो आप ये याद रखिए कि इब्तदाई बचपन के लिए आपको असासी मराहिल भी लिखकर आ सकता है। तो जो असासी मराहिल है, असासी मराहिल में जो बच्चा सीखता है वो एक्सपीरियंस बहुत टाइम तक चलते हैं। तो ये आंसर क्या होगा हमारा, पिछली स्लाइड पे जाते हैं अब, ये वाला क्वेश्चन था हमारा कि असासी मराहिल में जो बच्चा सीखता है तो वो जो तलफ्फुज़ है वो सलाहियत को फ़रोग देना बहुत आसान होता है। तो अलीफ और बे दोनों ही सही है और बे उसकी सही वजह है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2023 का है कि लफ्ज़ मुनफरिद आवाज़ पर मुश्तमिल होता है और उन आवाज़ों या फिर सूतियात को अलग अलग किया जा सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो ये 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये जो सारे पॉइंट है ना, अब ये सारे पॉइंट आपको हमारे नोट्स में सारे अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ पूरा टोटल कंटेन आता है। ये जो क्वेश्चन था जो आया था उसी में से कि लफ्ज़ मुनफरिद आवाज़ पर मुश्तमिल होता है और उन आवाज़ या सूतियात को अलग अलग किया जा सकता है। सूतियात यानी कि क्या, साउंड को अलग अलग किया जा सकता है। तो ये क्या है, तो ये हुरूफ की आगाही नहीं है, अल्फाज की आगाही नहीं है, ये सूतियाती आगाही है और अफ़आल की आगाही भी नहीं है। तो ये किसकी आगाही है, ये साउंड की, आवाज़ों की, तो ये सूतियाती आगाही है। अब आपको ये सारी चीज़ें नोट्स में, हमारे नोट्स में टोटल हर एक पॉइंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। एक कसीर लिसानी क्लास वो है जहाँ, कि एक कसीर लिसानी क्लास क्या होती है। तो कसीर लिसानी क्लास का मतलब ये होता है कि ऐसी क्लास जहाँ पे जो लर्नर है उनको जो मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई जाती हैं ना, तो वो बतौर पहली ज़बान बोलते हैं, यानी कि जहाँ आमोजगार मुख्तलिफ ज़बानें बतौर पहली ज़बान बोलते हैं उसे कसीर लिसानी क्लास कहते हैं। ऑप्शन थे आपके, जहाँ आमोजगार मुख्तलिफ ज़बानें बतौर पहली ज़बान बोलते हैं वो कसीर लिसानी क्लासरूम है, या फिर उस्ताद आमोजगारों की ज़बानों को जानता है, ये बिल्कुल आंसर नहीं है आपका। आमोजगारों को मुख्तलिफ ज़बानों में पढ़ाना नहीं, हर आमोजगार दो से ज़ायद ज़बानें जानता है नहीं, मल्टीलिंगुअल की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये पॉइंट याद रखना कि कसीर लिसानी क्लास का मतलब क्या होता है, कि ऐसी जमात, ऐसी क्लास जहाँ पे बच्चों को मुख्तलिफ या अलग अलग ज़बानें बतौर पहली ज़बान के तौर पर सिखाई जाती है। तो आंसर इसका क्या था, ऑप्शन नंबर ए वन था और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान होती है, ज़बान क्या होती है। तो 2023 का क्वेश्चन है, ज़बान क्या है, एक मस्नूई निज़ाम नहीं है ये, क़ानून पर या क़वानीन पर मबनी निज़ाम या निज़ामों का निज़ाम है ये, एक कवायदी निज़ाम नहीं, एक ऐसा निज़ाम जिसके कुछ उसूल होते हैं नहीं। तो ज़बान क्या है, ज़बान क़ानून या क़वानीन, या खवानीन भी लिख कर आ सकते हैं आपको, खवानीन पर मबनी निज़ाम है, जो क्या है, जो निज़ामों का निज़ाम है, जो निज़ामों का निज़ाम है, ये हमारा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी स्कूलों में ज़बान को क्या कहते हैं। 2023 का क्वेश्चन है ये कि हिंदुस्तानी स्कूलों में ज़बान को क्या कहते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे इसको, कसीर लिसानी मल्टीलिंगुअल कहते हैं, सरलिसानी फार्मूला जो कोठारी कमीशन ने दिया था बिल्कुल यही कहते हैं, सरकारी ज़बान का फार्मूला नहीं कहते, या कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 नहीं कहते हैं। तो आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तानी स्कूलों में ज़बान को हम क्या कहते हैं, सहलिसानी या सरलिसानी फार्मूला कहते हैं, थ्री लैंग्वेज फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज़ ज़ैल में
कौन क्लासिकी जबान नहीं है। तो अभी ये पॉइंट आप लोगों ने देख लिए, इनमें से कौन सी क्लासिकी जबान नहीं है जिसे एनईपी ने नहीं लिया है क्लासिकी जबान के तौर पे, तो कौन नहीं है 2023 का क्वेश्चन है। हमने देखे कि संस्कृत है, तमिल है, पाली है, प्राकृत है, मलयालम है, हिंदी है क्या? हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का है, 2021 का है, हिंदी जबान डैश है, कौन सी जबान है हिंदी हमारी? हिंदी हमारे मरकज की सरकारी जबान है, यह हमारा आंसर हो गया। अभी हमने ये पॉइंट देखे थे। और माविन सरकारी जबान अगर पूछा जाता तो वो कौन होती? इंग्लिश। के इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हमारे मरकज की माविन सरकारी जबान है। लेकिन पूछा क्या गया है आपको हिंदी के बारे में, तो हिंदी क्या है? हमारी सरकारी जबान है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख दी थी कि माविन सरकारी जबान जो हिंदी है हमारी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। सीटेट 2023 के लिए जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम होगा उसके लिए असर इंस्टीट्यूट से पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी 17 नवंबर से, यानी कि अभी ये फ्राइडे से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहेंगी। थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है और यहाँ पर भी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे सारे नोट्स में आपको 10 ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, टोटल कंटेन है, प्लस 10 ईयर के पूछे गए क्वेश्चन वो कंसेप्ट के अलग अलग आपको दिए जाएंगे, प्लस लाइव लेक्चर भी रहेंगे, रिकॉर्डेड भी रहेंगे और 10 टेस्ट सीरीज भी रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।